हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले फार्मडी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक के बारे में। ये जो बुक होगी आपको अच्छे से समझाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, क्या क्या रिएक्शंस होती है, क्या एंटासिड होते हैं, क्या कैथार्टिक होते हैं, क्या पर्गेटिव होते हैं, क्या लेक्सेटिव होते हैं, क्या क्या ड्रग की कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, इसके अंदर आपको हर रिएक्शन जानने को मिलेगी। ये जो बुक होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा देगी कि आप अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएं, फार्म डी की अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाएं, क्योंकि फार्म डी में केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में केमिकल्स कॉम्पोजिशन कॉम्पैटिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये बात किसी को नहीं पता है तो वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा। तो फार्म डी स्टूडेंट के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक के अंदर हर चीज़ ब्रीफली बताई गई, डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बताया गया है, हैडिंग सब हैडिंग, और बहुत अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट के लिए इस बुक से पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत इजी मीनिंग इसके अंदर वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाए जाते हैं राइटर्स के द्वारा। और साथ ही साथ में आपको जो ड्रग्स की कैटेगरी है वो बहुत अच्छे से बताया गया, बहुत इजी तरीके से इसके अंदर फॉर्मूला वाइज बताया गया है। मैं सब कुछ आपको अभी इस बुक के अंदर का दिखा दूंगा, कंटेंट दिखा दूंगा कि किस किस तरीके से बताया हुआ है। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करिए, कोई भी फार्मेसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो मुझसे पूछ लिया करिए, और नीचे रेड बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करने से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो यह है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, यहाँ पे लिखा हुआ ए टेक्स्ट बुक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्म डी फर्स्ट ईयर, और इसकी पब्लिकेशन कंपनी है सिया। सिया ने इस बुक को पब्लिश किया है और राइटर है डॉक्टर के रवि कुमार। और बुक के बारे में जानना है तो इस बुक के पीछे दिया हुआ है अबाउट द बुक के अंदर कि किस टाइप की ये बुक है, और काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको खुद रीड करा है, देखा है इसके अंदर का कि क्या क्या बताया है। यह है हमारा कंटेंट। चैप्टर फर्स्ट में बताया जाता है एरर इन एनालिटिकल कैलकुलेशन, एरर प्रिसिशन एक्यूरेसी कैलिब्रेशन ऑफ एनालिटिकल इक्विपमेंट यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर टू में बताया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इंट्रोडक्शन कंसंट्रेशन टर्म इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कंसंट्रेटिंग एंड डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन विद शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर थ्री में आते हैं तो बताया जाता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन थ्योरी, पीएच एंड बफर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, पॉलीप्रोटिक सिस्टम बताया जाता है, फिर हमारे शॉर्ट और ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर फोर में आते हैं तो हमें बताया जाता है यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, फार्माकोजेनोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग अमोनियम सेरिक आईवी सल्फेट सेरी ओमेट्री। थर्ड में आते हैं इंडिकेटर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर फाइव में आते तो बताया जाता है नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन थ्योरी एंड प्रिंसिपल, सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, टाइप ऑफ नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर सिक्स में प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन थ्योरी एंड प्रिंसिपल, टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर सेवन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन थ्योरी, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एंड पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऐसे, और सेलेक्टिंग ड्रग। फिर लास्ट में हमारे क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं तो हमारा बताया जाता है चैप्टर फाइव में थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, इंट्रोडक्शन, फिर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर नाइन में आते हैं तो बताया जाता है ग्रेविमेट्री, इंट्रोडक्शन प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, थर्मोग्रेविमेट्री, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर टेन में क्वालिटेटिव टेस्ट एंड लिमिट टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर केशन एंड एनियंस, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर केशन, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एनियंस, लिमिट टेस्ट सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, इंट्रोडक्शन लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, टेस्ट फॉर क्लोराइड, टेस्ट फॉर सल्फेट, टेस्ट फॉर आयरन, टेस्ट फॉर लेड, शॉर्ट और ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर 11 में आते हैं बताया जाता है मेडिसिनल गैसेस, इंट्रोडक्शन फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ मेडिसिनल गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, मेडिकल एयर, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर 12 में बताया जाता है एसिडिफायर, इंट्रोडक्शन डाइल्यूट HCl, सोडियम एसिड, फोस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। चैप्टर 13 में एंटासिड, इंट्रोडक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
जेल, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, मैग्नीशियम ट्रिसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, बीपी एक्टिवेटेड डायमेथिकॉन कॉम्बिनेशन, एंटासिड प्रिपरेशन। इधर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 14 में कैथार्टिक इंट्रोडक्शन, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 15 में इलेक्ट्रोलाइट रेप्लीनिशस इंट्रोडक्शन, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट रिपल्शन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन, रिंगर सॉल्यूशन कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। आगे बताया जाता है सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, पोटेशियम क्लोराइड ओवर डिहाइड्रेशन सोल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, एसिड बेस रेगुलेटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम लैक्टेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिटेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट सॉल्ट। ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 16 में एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट इंट्रोडक्शन, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट कॉपर, आयरन, जिंक, सल्फर, मॉलीबेडिनम, मैंगनीज, आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सेलेनियम। थर्ड आते कंपाउंड ऑफ आयोडीन एंड आयरन, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, वीक आयोडीन सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट, आयरन डक्शन इंजेक्शन शॉर्ट। ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 17 में हमारा बताया जाता है एंटी माइक्रोबियल इंट्रोडक्शन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर प्रोटीन, माइल्ड सिल्वर प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग सिल्वर प्रोटीन, आयोडीन, बोरिक एसिड, जिंक एंड एसिलिनेट, येलो मर्कुरिक क्लोराइड, क्लोरिनेटेड लाइम शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 18 फार्मास्यूटिकल एड्स इंट्रोडक्शन, एक्सिपिएंट डाइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम स्टेरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड सस्पेंडिंग एजेंट बेंटोनाइट कोलाइडल, सिलिका, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलोज, कलरेंट में आते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फिफ्थ में एसिडिफायर एंड अल्कलाइजर, डेसिकेंट सिलिका जेल, टोनिसिटी मोडिफायर, सॉल्वेंट एंड वहीकल प्योरीफायर, वाटर आईपी, वाटर फॉर इंजेक्शन। आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ बताया जाता है फिल्टर एड टाल्क, लाइट कॉलिन, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव, सोडियम सल्फाइट, सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, एब्जॉर्बेंट लाइट कॉलिन, हैवी कॉलिन, एक्टिवेटेड चारकोल, बिस्मथ सबकार्बोनेट शॉर्ट। ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 19 में डेंटल प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, एंटी कैरीज एजेंट सोडियम फ्लोराइड, स्टेनलेस फ्लोराइड, डेंटिफ्राइसिस, कैल्शियम कार्बोनेट, डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फोर्थ में ओरल एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रीजेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, मैग्नीशियम परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट, माउथ वॉश, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ हमारा बताया जाता है सीमेंट एंड फिलर जिंक ऑक्साइड शॉर्ट। ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 20 में स्लेंगिस कंपाउंड, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट सिस्पियोटिन, एंटी डिप्रेसेंट लिथियम कार्बोनेट, डायग्नोस्टिक एजेंट बेरियम सल्फेट, सर्जिकल एड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑर्थोपेडिक कास्ट, एंटी रूमेटिक एजेंट सोडियम ऑर्थियोमेलेट, इंटरनल पेस्टिसाइड सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट, एंटी थायरॉयड एजेंट पोटेशियम परकोलेट, हेमेटिनिक्स फेरस सल्फेट, आयरन डक्शन इंजेक्शन, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेलेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, नाइन्थ टॉपिकल एजेंट एस्ट्रीजेंट जिंक सल्फेट, बिस्मथ सबकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टॉपिकल प्रोटेक्टेंट जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन टॉल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हैवी काओलिन, लाइट काओलिन, सिलिकन पॉलीमर्स, एक्टिवेटेड डाइमिथिकॉन। फिर आगे आते हैं तो हमारे यहाँ पे बताया है एंटी इफेक्टिव हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सिल्वर नाइट्रेट, इमेटिक पोटेशियम एंटीमोनी टार्ट्रेट, कॉपर सल्फेट, एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, एक्टिवेटेड चारकोल एक्सपेक्टोरेंट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सेडेटिव पोटेशियम ब्रोमाइड शॉर्ट। फिर ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 21 रेडियो फार्मास्यूटिकल इंट्रोडक्शन, रेडियो एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप, डिटेक्टिव एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मास स्पेक्ट्रोमीटर, गैस आयोनाइजेशन डिवाइसेस, सिंटिलेशन काउंटर, ऑटो रेडियोग्राफी, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, फिफ्थ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल एस्टेब्लिश, रेडियो आइसोटोप फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल फार्मेसी, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ सम स्पेसिफिक
रेडियो न्यूक्लाइड्स, हैजार्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अदर एस्पेक्ट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। तो हम चैप्टर फर्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट है एनालिटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे लिखा है चैप्टर फर्स्ट, यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए हैं, एरर्स बताए हैं, यहाँ पे एरर्स बताए, इंट्रोडक्शन एरर, एरर्स ड्यू टू वेरिएशन बिटवीन कैलकुलेटेड मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू। देखिए यहाँ पे एब्सॉर्ब एब्सोल्यूट एरर बताए, रिलेटिव एरर बताए। आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये देखिए चार्ट वाइज बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हमारा बताया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए मैंने क्या क्या इस वीडियो के अंदर बताया, क्या बुक के बारे में बताया, क्या कंटेंट है, किस तरीके से राइटर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए, आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप इस बुक को अच्छे से परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फिर अपनी ऑफलाइन मार्केट से। मैंने इस बुक को अमेजोन से मंगाया था, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत आसानी से आपको मालूम है अमेजोन से आ जाती है, तो ज़्यादा झंझट की बात नहीं होती है। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी भी अच्छे से समझ आ जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो किस तरीके से उनको पढ़ना है और बेस्ट बुक कौन सी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू। We'll be right back.